हेलो मीना सान कोनिचीवा एवरीबॉडी सलाम नमस्ते। मार्वल का महीना एवेंजर्स करे शोर, तो चलो देखते हैं हम भी इनके बीच हुई चोरियों की ओर। इन्फिनिटी वॉर तो आ गई, बट भाई थोड़ी नजर डाल लेते हैं मार्वल ने डीसी से ढापे हुए कैरेक्टर्स की ओर। वैसे लिस्ट काफी लंबी है, बट इस एपिसोड में हम गिने चुने कैरेक्टर्स को ही देखेंगे। तो लेट द एपिसोड्स बिगिन। तो शुरुआत करते हैं हमारे अपने एक्समैन से। अभी एक्समैन के म्यूटेंट्स के बारे में, लाइक हर एक सिंगल म्यूटेंट्स के बारे में फुर्सत में देख लेंगे, बट ये जो आइडिया है ना कि म्यूटेंट्स जिनको सोसाइटी ने बाहर फेंक दिया है, सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाती, एक टीम बनाते हैं अच्छाई के लिए लड़ने को, जिसे लीड करता है वही दिमागी इंसान जो व्हीलचेयर पर बैठा रहता है। सुनने में तो एक्समैन ही लग रही होगी, बट ये है डीसी की कॉमिक्स जिसका नाम है डूम पेट्रोल, जो पहले पब्लिश हुई थी जून 1963 में और एक्समैन पब्लिश हुई थी सितंबर 1963 में। अब सिमिलैरिटीज की बात करें तो 1964 में जहां एक्समैन लड़ रही थी ब्रदरहुड ऑफ इविल म्यूटेंट से, वही डीसी की डूम पेट्रोल लड़ रही थी ब्रदरहुड ऑफ इविल से। सिमिलैरिटीज इतनी बढ़ गई कि डूम पेट्रोल के क्रिएटर अर्नोल्ड ड्रेक ने स्टैनली पर ढापोफाई का इल्जाम लगाया, जो आज तक वैसे प्रूव हुए नहीं है। वैसे एक्समैन की बात करें तो फ्लैश आई थी 1940 में और क्विक सिल्वर इन 1964। आगे बढ़ते हैं कैटवुमन की ओर, वही अपनी डीसी की कैटवुमन बैटमैन वाली, जो पहले पब्लिश हुई थी 1940 में अंडर द नेम ऑफ कैट। अब जैसे ब्लैक विडो के पास कुछ सुपर पावर्स नहीं है, वैसे ही अपने कैटवुमन के पास कुछ सुपर पावर्स नहीं है। जस्ट कैट का कॉस्ट्यूम पहन के बहन जाती है चोरी करने, और अपने बैटमैन पर तो वो फुल ऑन लट्टू थी ही। अब सीन ऐसा है कि मार्वल के राइटर मार्व वुल्फमैन, भाई जो ढापा है ना, वाह क्या ढापा है, उन्होंने पूरा कैटवुमन के कॉस्ट्यूम में चोरी करने जाने वाला ही कंसेप्ट ढाप लिया, और उन्होंने बनाया फेलिशिया हार्डी द ब्लैक कैट, जो पब्लिश हुई 1979 में। सेम कैट का कॉस्ट्यूम, सेम चोरी करने का कंसेप्ट, सेम, सिर्फ इतना डिफरेंस था कि अपनी कैटवुमन बहन बैटमैन पे लट्टू थी, ये स्पाइडरमैन पे लट्टू थी। अब आते हैं मेरे फेवरेट कैरेक्टर की ओर। भाई वैसे मैं हूँ कट्टर डीसी फैन बॉय, बट डेडपुल का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, डेडपुल और वुल्वरीन का। तो अपने डेडपुल के क्रिएटर रॉब लीफील्ड वैसे प्रीतम फैन जरूर लगते हैं, लीगल नोटिस। बट सीन ये था कि 1991 में जब टीन टाइटंस के फैंस ने उसके पहले ड्राइंग्स जब राइटर फेबियन निसीजा को दिखाया, तब भाई दिख के आ रहा था कि भाई ने अपना सीधा सीधा डीसी के डेथस्ट्रोक को ढापा है। फिर भी मजाक के तौर पर राइटर फेबियन ने गो विद द फ्लो किया, जिसका नाम आगे रखा वेड विल्सन। डीसी के डेथस्ट्रोक का नाम है स्लेड विल्सन। मजाक मजाक में रजाक हो गया और डेडपूल हिट हो गया। डेडपूल सिली कैरेक्टर है, फन कैरेक्टर है, सिली एडवेंचर्स जोक्स सब पैकेज आता है डेडपूल में, कंप्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट डेथस्ट्रोक इज। ऑन द अदर हैंड डेथस्ट्रोक इज बोरिंग साइलेंट असैसिन। वैसे इन्फिनिटी वॉर से याद आया अपने विजन भाई। विजन भाई को आपने देखा ही होगा एज ऑफ अल्ट्रॉन में। विजन भाई कॉमिक्स में पहले पब्लिश हुए थे 1968 में। विजन ओरिजिनली ऐसा कैरेक्टर था कि उसे अल्ट्रॉन ने डिजाइन किया था एवेंजर्स को मारने के लिए, जो आपने एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देख ही लिया था। अब थोड़ा पहले जाते हैं 1963 में। एक सुपर विलन क्रिएट किया गया, एक एंड्रॉयड क्रिएट किया गया जिसका नाम था रेड टोर्नेडो। रेड टोर्नेडो बेसिकली बनाया था डीसी के जस्टिस ऑफ सोसाइटी ऑफ अमेरिका को डिफीट करने को, बट इवेंचुअली टोर्नेडो भाई ने भी पलटी मारा और सुपर हीरो बन गया। नेक्स्ट आता है मेरा सेकंड फेवरेट कैरेक्टर आफ्टर डेडपूल, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था, वुल्वरीन। वुल्वरीन आया था 1974 में और डीसी का टिम्बर वुल्फ आया था 1964 में। सिमिलैरिटीज भी खतरनाक है स्टार्टर्स के लिए, दोनों सेम दिखते हैं, दोनों एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे हैं, दोनों के पावर्स भी सेम है। फिर लंबी लिस्ट है जैसे सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, एनहांस्ड सेंसेस, रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर, क्लॉज, सुपर स्ट्रेंथ। क्या ढापा है भाई, क्या ढापा है। चलो अब आते हैं एक और एवेंजर पर, हॉकाय। हॉकाय का आगमन हुआ था 1964 में डीसी के ग्रीन एरो के 23 साल बाद, और एग्जैक्ट ढापा है यार। दोनों भी इंसान है जो झगड़ते हैं गॉड्स मेटा ह्यूमंस की मदद करने के लिए। दोनों के माँ बाप बचपन में उड़ गए। ग्रीन एरो का क्लोज रिलेशनशिप है ब्लैक कैनरी के साथ, और अपने हॉकाई का क्लोज रिलेशनशिप है ब्लैक विडो के साथ। तो अब बात करते हैं एक और एवेंजर की। वेट फॉर इट, आर यू गाइज अ फैन ऑफ हल्क? यस, हल्क भी ढापोफाइड है डीसी यूनिवर्स से। तो बढ़ते हैं ओरिजिन की ओर। हल्क आया था 1962 में एज ब्रूस बैनर इन द कॉमिक्स द इनक्रेडिबल हल्क वॉल्यूम 1, क्रिएटेड बाय स्टैनली एंड जैक कर्बी।
तो रेडिएशन के एक्सपोजर में आके अपने ब्रूस बैनर बनते हैं। हल्क इनिशियली हल्क ग्रे कलर का था और सिर्फ रात में बाहर निकलता था, फिर थोड़े चेंजेस आए एंड देन इट वॉज चेंज कि जब बैनर को गुस्सा आ जाता है तब हल्क बाहर आ जाता है और उसका कलर ग्रीन कर दिया था। ये हुआ हल्क और इसका ओरिजिनल है डीसी का सोलोमन ग्रंडी, जो इनिशियली एक मर्डर विक्टिम था जिसे इंट्रोड्यूस किया था 1944 में एज एन एनिमी ऑफ ग्रीन लैंटर्न एलन स्कॉट। बहुत सारी ओरिजिन स्टोरी है बट वन ऑफ इट इज उसे मार के गॉथम सिटी के स्वाम्प में फेंक दिया था और 50 साल बाद वो लौट आता है एक जायंट जॉम्बी बन के जिसे कुछ याद नहीं होता एक्सेप्ट उसका जन्म मंडे को हुआ था। दोनों गुस्से वाले, दोनों ग्रीन और दोनों ह्यूज। अब आते हैं अपने बोनस टॉक्स। बोनस टॉक्स। बोनस टॉक्स। तो इन्फिनिटी वॉर का लीड विलेन है थेनोस एंड यस थेनोस इज डापोफाइड अपने डीसी के डार्क साइड से। डार्क साइड है कौन? डार्क साइड जैक कर्बी का मोटे जबड़े वाला एलियन ओवरलॉर्ड है अपोकैलिप्स का, जिसका एक ही मकसद है और वो है तबाही और कब्जा करना सारे उन ग्रहों पर जिस पर जीवन है। मैन दैट्स टू मच ऑफ हिंदी। थेनोस है कौन? थेनोस मोटे जबड़े वाला ओवरलॉर्ड है टाइटन का, जिसका पहला प्रेफरेंस है डेथ को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना। आई मीन सीरियसली, मौत बनेगी थेनोस भाभी। सेकंड प्रेफरेंस है गैलेक्सी पर कब्जा करना। दोनों बहुत ताकतवर है, टेलीकिनेटिक टेलीपोर्टर्स है, दोनों एजलेस है, टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और दोनों मोस्ट पावरफुल विलन्स है अपने अपने यूनिवर्सेस के। जिम स्टालिन जो क्रिएटर है थेनोस के, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था थेनोस को 1973 में। डार्क साइड वैसे कूल था ही बट उसके सोल सीकिंग आई लेजर्स उसको और ज़्यादा कूलर बनाते हैं, जो 1970 में आए थे थेनोस के इन्फिनिटी गॉन्टलेट से पहले। तो आज का एपिसोड इधर ही फिनिश। इफ यू हैव मेड इट टिल द एंड मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब। I'll see you in the next episode. If you are a Marvel fan, you can like the episode too. And if you are a DC fan, bhai, like to banta aur share to pehle banta hi hai. I'll see you in the next episode. Till then, be weird, stay awesome. Peace out.